हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉप स्टार चैनल। और आज हम सीखेंगे साबुत आंवले का मुरब्बा बनाना। ये बहुत आसान होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आंवले का सेवन तो जितना ज़्यादा हम करें वो बहुत अच्छा होता है। तो इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो चलिए हम ये बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको ये रेसिपी यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और मेरी नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपकी कोई भी कमेंट हो तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें वो। तो चलिए हम आंवले का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आंवले लिए, इसे मैंने धो लिया है अच्छे से। ये 500 ग्राम के करीब आंवले हैं। इसके अलावा 500 ग्राम आंवले हैं तो 500 ग्राम ही शक्कर लगेगी हमें। तो ये मैंने शक्कर ले ली है 500 ग्राम, काला नमक आधा चम्मच, और क्रश्ड काले मिर्च है ये भी आधा चम्मच लगेगी हमें। और ये एक छोटा चम्मच मैंने ये चूना लिया है, इसे आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। ये आसानी से किसी भी शॉप पर मिल जाता है, किराने की शॉप पर या सुपर मार्केट में मिल जाएगा ये। इसके अलावा मैंने इलायची ली है 8-10 के करीब, इसका हमें पाउडर बनाना है इस इलायची का। तो चलिए अब हम ये बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आंवले का मुरब्बा इन 3 स्टेप। तो सबसे पहली स्टेप जो है वो मैं शुरू करना जा रही हूँ। ये मैंने एक फॉर्क लिया है और ये हमारे आंवले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैंने पानी लिया हुआ है, ये 1.5 लीटर के करीब पानी है। और इसमें ये जो मैंने चूना लिया हुआ है, आपको बताया था, ये चूना हम इसमें घोल देंगे, ये इस तरह से। बस इसे ऐसे ही रखे रहने दीजिए। और अब आगे देखिए, तो ये देखिए जो मैंने फॉर्क लिया हुआ था, ये इससे ऐसे ये पूरा अंदर तक हमें ऐसे से पिंच करना है इस फॉर्क को। ये देखिए बहुत जूसी आंवला है, ये बहुत सारा जूस निकल रहा है इसमें से। ये ऐसे 8-10 जगह आपको ऐसे ये फॉर्क को पिंच करना है, ये देख रहे हैं आप ये। और इसे जो है अब मैं इस पानी में डाल दूंगी, इस चूने के पानी में। अब ये अगला आंवला लेंगे हम, इसे भी ऐसे ही पिंच करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से है ना, आप इसको भी पानी में डाल देंगे। तो इस तरह से आप ये पूरे आंवले को फॉर्क से पिंच कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने पूरे आंवलों में फॉर्क से अच्छे से छेद कर लिए हैं, इसमें पिंच कर दिया है मैंने, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये 8-10 जगह आपको ऐसे चारों तरफ पिंच कर देना है इसको। और ये जो मैंने चूने का पानी लिया था, अपन ने चूना डाला था हमने, अब ये इसमें मैंने भिगो दिए हैं। और पानी ऐसा होना चाहिए कि पूरे आंवले इसमें यूँ डीप हो जाए बिल्कुल, मैंने रखे हैं। तो कल इसी टाइम पे मैं इसको निकालूंगी इसमें से। तो तब तक आप 24 आवर्स के लिए इसको इसी पानी में रखे रहने दीजिए ढककर। ये हमने इसलिए किया है कि इसका जो कसैलापन होता है वो थोड़ा कम हो जाए, हमें पूरा कसैलापन नहीं हटाना है। अगर हम वो हटा देंगे तो इसके सब विटामिन मिनरल्स जो भी होते हैं आंवले में सब खत्म हो जाएंगे। तो हमें पूरा नहीं हटाना है, इसलिए हम सिर्फ और 24 आवर्स ही इसमें रखेंगे, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप चालू होगी। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, इसे आप ढक दीजिए ऐसे, और अब इसे 24 आवर्स के लिए ऐसे ही रखे रहने दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप कहा था कि हमें इसे 24 आवर्स के लिए चूने के पानी में भिगो कर रखना है। तो ये मैंने भिगो कर रखे थे और 24 आवर्स हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे इस चूने के पानी से निकाल कर हमें एक दूसरे बर्तन में रखना है, और फिर एक बार इसे अच्छे से धोना है हमें साफ पानी से। तो ये इसमें से ऐसे करके निकाल दीजिए आप ये। ये जो आपको कुछ यदि ज़्यादा दाग वाग दिखे इसमें जिस आंवले में, तो आप इसे चाकू की सहायता से उत्ता उत्ता भाग निकाल कर अलग कर सकते हैं। ये इस तरह से पूरे इसमें निकाल लेंगे हम, और इसके बाद इसे अच्छे से साफ पानी से धोएंगे।
अब इसमें साफ पानी डाल दीजिए, इसको अच्छे से धो लीजिए। ये देखिए मैंने धो लिया है। अब ये जो हमारा पानी था चूने का, ये किसी काम का नहीं है, आप इस पानी को फेंक सकते हैं। और ये जो है इसमें मैं नया पानी डालूंगी। आंवले मैंने धो लिए हैं दो बार, ये पूरा भर दीजिए इसको ऐसे। और इसके बाद हमें इसको गैस पर रखना है और हमें ये आंवले बॉईल करने हैं 10 मिनट के लिए तेज आंच पर, ताकि ये हल्के से नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करेंगे हम इसे, हल्का सा नरम करना है हमें। तो इसको आप बॉईल होने दीजिए और इस पर आप चाहें तो लीड कवर कर सकते हैं, इसे ढक दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब हमारा आंवले अच्छे बॉईल हो गए हैं, ये हल्के से नरम भी हो गए हैं और ये देखिए कलर अलग ही दिखने लगा है इनका, कलर चेंज हो गया है। तो अब आप ये फ्लेम ऑफ कर दीजिए, फ्लेम ऑफ कर दीजिए और ये जो ढक्कन है वापस इस पे ढक दीजिए, जो भी आपने ढकी थी प्लेट व्लेट, ताकि और थोड़ा बफ आ जाए और ये हल्का ठंडा हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे हमारी। ये देखिए, ये मैंने आंवले का पूरा पानी निकाल लिया है और अब हमें क्या करना है, हमने जो शक्कर ली थी, मैंने कहा जैसा कि कहा था कि 500 ग्राम आंवले हैं तो हमें 500 ग्राम ही शक्कर लेनी होगी। तो ये जितने आंवले, यदि आप 1 किलो आंवले लेते हैं तो आपको 1 किलो शक्कर लेनी पड़ेगी। तो ये आंवले हैं मेरे, इस पर ये मैं शक्कर डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दी है इसमें। तो अब ना ये क्या होगा कि 5 से 6 घंटे में ये पूरी चीनी अपने आप घुल जाएगी इसमें, अपने आप पूरी डिजोल्व हो जाएगी ये। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5-6 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए अब ये जो हमने इसमें शक्कर डाली थी वो पूरी अब्जॉर्ब हो गई है इसमें और ये जो है देखिए पानी जैसा बन गया है, ये चाशनी जैसी बन गई है इसकी अपने आप ही। लेकिन अब हमारी जो थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप है ये कि हमें इसको ऐसे की ऐसे गैस पर रखना है। ये देखिए मैंने इसको गैस पर रख दिया है और एक बार जो है इसे चला दीजिए पूरे नीचे तक और इसको स्लो फ्लेम पर होने दीजिए। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो हमारा पानी है शक्कर का, ये एक तार की चाशनी जैसा ना लगने लगे। तो इसे स्लो फ्लेम पर होने दीजिए और बीच बीच में इसे चलाते रहिए। ये देखिए इसको बीच बीच में हमें ऐसे चलाते रहना है और अब जो है ये पकना शुरू हो गया है। तो मैं इसमें अब ये जो मैंने बताया था आपको इलायची पाउडर, ये मैंने इलायची पीस ली है और अब इसमें डाल देंगे हम पूरी इलायची। ये काली मिर्च ली थी मैंने, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ये देखिए सब चीज़ें मैंने डाल दी है और इसको अब स्लो फ्लेम पर ही होने देना है हमें। थोड़ी देर बाद फिर हम चेक करेंगे कि थोड़ी चाशनी गाढ़ी हुई है या नहीं। ये देखिए ये बीच बीच में आप एक बार इसे तले तक चलाते रहेंगे हम, नहीं तो ये चिपक ना जाएगा नीचे। और अब जो है हम एक बार चाशनी टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने लिया है और इसको ये ऐसे एक ड्रॉप गिराइए इसका, थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे फिर हम देखेंगे। ये देखिए ये अभी नहीं हो पाई है, इसे हमें और पकाना पड़ेगा थोड़ा, इसमें 10 मिनट का टाइम और लग सकता है हमें। तो इसे स्लो फ्लेम पर ही होने दीजिए और बीच बीच में चलाते रहिए इसको। ये धीरे आंवले हमारे कलर भी चेंज कर रहे हैं, गोल्डन कलर में हो जाएंगे ये और बनने के बाद बहुत सुंदर लगेंगे ये और आपको बहुत पसंद आने वाले हैं ये, आप ट्राई करिएगा इसे ज़रूर। तो अब हम इसे और होने दें, फिर थोड़ी देर बाद फिर हम एक बार इसे चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हो गई है हमारी चाशनी अच्छी और ये देखिए आंवलों का भी पूरा कलर चेंज हो गया है, गोल्डन कलर के दिखने लगे हैं ये। तो अब आप गैस बंद कर दीजिए, फ्लेम ऑफ कर दीजिए और ये हल्का ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे
जिसमें जिस भी कंटेनर में हमें रखना हो उसमें रखेंगे। तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। तो ये देखिए मेरे आंवले रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं ये, और आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिए, बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत हेल्दी भी होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।